आज भाई दूज है तो चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहन भाई होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। बहन अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती है कुछ दिनों के लिए। तो भाई जो भाई की औरत होती है बहुत गुस्सा जाती है कि आए दिन आ जाती है, आए दिन आ जाती है, शर्म भी नहीं आती। अपने पति को बोलने लगती है कि भाई तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को कभी कभी चावल देती है, कभी पैसे दे देती है, कभी साबुन दे देती है, घर का थोड़ा बहुत सामान दे देती है। तो भाई को अपनी औरत की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भाई एक ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, अपने घर का और अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करता था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन भाई ड्यूटी से घर आता है तो देखता है कि बहन के बच्चों ने उसके टीवी का रिमोट तोड़ देता है। रिमोट तोड़ने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो अपनी माँ से जाके बोलता है। बहन दूसरे उधर होती है कमरे में, वो अपनी माँ से कहता है, माँ आए दिन ये आ जाती है और ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती। माँ बोलती, बेटा ऐसे नहीं कहते, उसका यही तो आसरा है। कहता है कि जाती क्यों नहीं अपने घर, और देखो रिमोट तोड़ दिया, ये बहुत कुछ कहता है। तो यही बात बहन सुन लेती है। बहन कहती है कि माँ मैं आज चली जाऊंगी। तो भाई फटे मुंह से कहता है, रहने दो, कोई बात नहीं, रुक जाओ 2-4 दिन और। कहती, नहीं भैया, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, अब मैं जाऊंगी। वो अपने बच्चों को तैयार करके रखती है और चली जाती है। जब वो अपने ससुराल चली जाती है तो फिर भाई की कंडीशन है ना और भी ख़राब होती रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक बार ऐसा समय आता है कि दो भाई होते हैं, भाई भी होते हैं उनके दो, तो बंटवारे में दोनों का हिस्सा आता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन को इसमें से कोई कुछ भी नहीं देने वाला, बिल्कुल भी कुछ नहीं दूंगा। ऐसा करके वो अपनी जायदाद अपने पास ही रख लेता है। उसके बाद उसके बेटे को तो टीवी हो जाता है, घर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। घर के चलाना इतना मुश्किल हो जाता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता, जैसे तैसे चलो घर चलता है। फिर एक बार कुछ सालों बाद उसकी बहन फिर दोबारा आती है और अपने भाई से मिलने उसके कमरे में जाती है। अपने भाई से कहती है तो तू मुझसे छोटा ही, और देख कैसा हो गया, कैसी हालत हो गई, सब सही हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, सब सही हो जाएगा। वो अपने पर्स में हाथ डालती है तो उसमें से सोने के कंगन निकाल के अपने भाई को दे देती है, और भाई से कहती है कि ले भाई, सब कुछ सही हो जाएगा, अपने बच्चों को अच्छा भोजन करा, खाना खिला, और अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे, और अपने बेटे का इलाज करवा, सब सही हो जाएगा। भाई देख के हक्का बक्का रह जाता है कि जिस बहन को हम कोसते रहते थे वो बहन कितना, मतलब अपने भाई के घर मायके के बारे में कितना सोचती है। फिर वो पर्स से चिल्लर निकालती है, कोई 50 का नोट होता है, कोई 10 का नोट होता है, कोई 20 का नोट होता है, कोई 100 का नोट होता है, ऐसे करके मतलब उसकी जमा पूंजी 1,000 रुपये निकाल कर वो भी भाई की जेब में ज़बरदस्ती रख लेती है, मना करते करते भी, और ले सब कुछ सही हो जाएगा, अपना ख्याल रख, ये बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसमें मेहंदी लगा, अच्छा सबन, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर कहती है, अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ। तो मैं भाई की आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं रोते रोते, वो बहन के पैरों को देखता है तो पैर में उसकी टूटी फूटी सी जूती होती है, और दुपट्टा भी वही वाला पहन के आती थी जो अक्सर उसके घर में पहन के आती थी, फटा पुराना।
सूट भी कोई खास नहीं था, वैसे ही डेली यूज का। ऐसे करके वो अपने भाई से विदा लेती है और भाई के आंखों में इतने आंसू आते हैं, इतने आंसू आते हैं कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। कहता है कि यार मैं क्या समझता हूँ अपनी बहन को, क्या सोचता था कि हमारे घर का खाने आ रही है। तो भाइयों, कभी भी कोई बहन ये नहीं चाहती कि उसके मायके में उसके भाई भाभी का बर्बाद हो जाए। हाल समाचार पूछ लेती है, पूछने आ जाती है, और कुछ नहीं, वो अब नमक के साथ भी खाएगी ना बहन, तो आपको नहीं बताएगी और वो वैसे ही गुजारा कर लेगी। तो अपने बहन, अपने भाइयों की कदर कीजिए। बहन होती है ना, जब माँ बाप नहीं होते ना, तो बहन के रूप में माँ नज़र आती है, और जब पिता गुजर जाते हैं तो भाई के रूप में पिताजी नज़र आते हैं। तो अपनी बहन की कदर कीजिए, व्यवहार ऐसा रखिए कि कोई किसी का पूरा नहीं कर सकता। एक भाई अपनी बहन के ससुराल वालों का पूरा कभी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मेहनत करेंगे तो भाई और उस बहन और उसके पति ही करेंगे। आप 1,000 दे दोगे, 10,000 दे दोगे, कितना चलेगा? लाइफ टाइम कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। जिसका जैसा खर्चा खर्चा चलता है, वह वैसे ही करता है। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे, हैप्पी भैया दूज।